पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, एक ही सर्जिकल स्ट्राइक में हिजबुल्ला ने फोड़ डाली इजराइल की 3 आग। पहली आग, दूसरी आग, तीसरी आग, हिजबुल्ला ने मिसाइल अटैक करके इजराइल की 3 आंखों को फोड़ दिया। ये मेरान एयर सर्वेलेंस बेस है और यहाँ इजराइल के रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम थे, जिससे वो लेबनान में हिजबुल्ला पर नजर गड़ाए रहता था। अब सैटेलाइट तस्वीर की मदद से इस लोकेशन को समझिए। लेबनान बॉर्डर पर ये है इजराइल की 3 आंख, यानी 3 ग्लोब रेडार, और साथ में है इजराइल के कम्युनिकेशन टावर। ये मेरान एयर सर्विलेंस बेस है, जिसे तैयार करने में इजराइल ने अरबों रुपए खर्च किए थे। यही वजह है कि लेबनान के हिजबुल्ला ने इसे अपना सॉफ्ट टारगेट बनाया। बेरूत में हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी की मौत के बाद यह हिजबुल्ला का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला है। यह इजराइल के बहुत ही सीक्रेट बेस पर बहुत बड़ा हमला है। एक तरह से हिजबुल्ला ने इजराइल के सीक्रेट बेस को मिट्टी में मिला दिया है। अब तक डरा हुआ लग रहा था हसन नसरल्ला, लेकिन अब लग रहा है कि शुरू हो चुका है अरूरी का बदला। इजराइल पर टूट रहा है हिजबुल्ला। हसन नसरल्ला को पहले बैकफुट पर देखा गया। अरूरी की मौत के बाद हसन नसरल्ला की जुबान में वो तीखापन नहीं था जिसकी इजराइल को उम्मीद थी, लेकिन अब हिजबुल्ला ने अपना सबसे खतरनाक अटैक करके इजराइल को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो हिजबुल्ला से कैसे निपटेगा। עדיין יש בג'באליה מחבלים, רק כעת הם פועלים ללא מסגרת וללא מפקדים. נתקלנו וגם נתקל בירי רקטי ספורדי מהמרחב הזה. תקפנו אותו ונמשיך לתקוף ונמשיך להעמיק את ההישג באזורים האלה. זה דורש זמן. אין קיצורי דרך בלחימה בטרור. इस वक्त लेबनान और इजराइल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्ला का पूरा कंट्रोल है। हिजबुल्ला अब ऐसी ऐसी मिसाइल फायर कर रहा है जिसके आगे इजराइल के टैंक अपनी तोप रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्ला ने निकाली हैं 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्ला 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये है कॉर्न, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास हैं। दूसरी है BGM 71 TOW एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर, ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। इन्हीं मिसाइलों से हिजबुल्ला ने इजराइल के मेरान एयर सर्विलेंस बेस पर हमला किया है। ये तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है और जिस तरह से इन्होंने इजराइल के अड्डे उड़ाए हैं, उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसका हर हमला इजराइल को मुंहतोड़ जवाब है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला ने इस अड्डे को उड़ाने के लिए 60 से ज्यादा मिसाइल फायर की हैं और सभी अपने टारगेट पर लगी। ये मेरान एयर सर्वेलेंस बेस के अंदर की तस्वीरें हैं, जिन्हें बहुत ही सीक्रेट माना जाता है। ये बेस 1967 में बनाया गया था ताकि लेबनान बॉर्डर पर नजर रखी जा सके। इसका कंट्रोल इजराइल की एयरफोर्स के पास है। इस बेस से हवाई टारगेट को भी ट्रैक किया जाता रहा है और रॉकेट और तोप के गोलों को भी ट्रैक किया जाता है ताकि लेबनान बॉर्डर से लगे उत्तरी इजराइल के इलाकों को सुरक्षित रखा जा सके।
दक्षिण लेबनान और उत्तरी इसराइल के बीच जो बॉर्डर है वहाँ तनाव बहुत ज्यादा है। कब कहाँ बम फटेगा, कहाँ धमाका होगा, ये या तो हिजबुल्ला जानता है या फिर इसराइल की सेना। वैसे यहाँ के लोगों को भी पता है कि बहुत जल्दी युद्ध का एपिसेंटर गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुँच सकता है। यहाँ तैनात संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं भी अलर्ट मोड पर हैं। लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी की मौत के बाद हिजबुल्ला के सामने बस दो ही विकल्प है, या तो उसे मरना होगा या उसे मारना होगा। यही वजह है कि हिजबुल्ला ने इसराइल के अड्डों को टारगेट करना तेज कर दिया है। इस वक्त पश्चिम एशिया में युद्ध की जो आग लगी हुई है, गाजा पर बमबारी के बीच हमास और इसराइल के बीच जिस तरह की टक्कर हो रही है, उसमें अब नया खतरा इसराइल और लेबनान बॉर्डर का भी है। यहाँ भड़के शोले अब युद्ध की इस आग को 10 गुना भड़का सकते हैं और अब दुनिया में सिर्फ 4 लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू, दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है, खासकर किरमान में आतंकी धमाकों के बाद। ईरान ने हिजबुल्ला और यमन के हूथी विद्रोहियों को चौकन्ना रहने के लिए कहा है। ईरान ने इन दोनों मिलिशिया तक पहले ही इतने हथियार पहुंचा दिए हैं कि अगर इसराइल ने गाजा पर बमबारी नहीं रोकी तो हिजबुल्ला और हूथी दोनों इसराइल पर बम बनकर फट सकते हैं। ये बात नेतन्याहू भी जानते हैं। ולהבטיח שעזה לא תהיה עוד איום על ישראל. אסור לעצור את המלחמה עד שנשיג את כל היעדים הללו. जब से साले अल अरूरी को इसराइल ने ड्रोन स्ट्राइक में मारा है, तनाव बहुत ज्यादा फैल गया है। ये ड्रोन स्ट्राइक बेरूत के दहिया इलाके में हुई, जिसे हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है। दहिया में जब साले अल अरूरी को जब हमास के ऑफिस के करीब देखा गया, तब इसराइल का ड्रोन मौत बनकर टूट पड़ा। इस हमले में साले अल अरूरी के अलावा 5 और लोग मारे गए जो हमास के ही अधिकारी थे। सवाल है कि क्या अरूरी की मौत का बदला अब सीधा युद्ध होगा, जिसमें बड़ी लड़ाई इसराइल और हिजबुल्ला के बीच होगी? ऐसा युद्ध जिसमें इसराइल की तरफ होगा अमेरिका, जबकि हिजबुल्ला की मदद करेगा ईरान। हालांकि बेनियामिन नेतन्याहू इससे पहले ही बेरूत को गाजा बनाने की धमकी दे चुके हैं। תקפנו מטרות רבות של חיזבאללה, חיסלנו מחבלים רבים, ואני שב ואומר, אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, הוא יעשה את טעות חייו. देखा जाए तो हिजबुल्ला वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है, और ईरान हिजबुल्ला को इसराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। लेकिन इसराइल ने अगर हिजबुल्ला का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनान में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोहराई जा सकती है। 2006 में हिजबुल्ला और इसराइल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इसराइल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे, जबकि हिजबुल्ला के 250 लड़ाकों समेत लेबनान के 1200 लोगों की मौत हुई थी। हम अपनी वीडियो लाइब्रेरी से 17 वर्ष पहले लड़े गए इस युद्ध की तस्वीरें निकाल कर लाए हैं, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके। लेबनान का वही हाल कर सकता है जो इस बार गाजा का कर रहा है। इसलिए हिजबुल्ला को नेतन्याहू की धमकी को बहुत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि इसराइल अब बेरूत को दूसरा गाजा बना देगा, ये वो साफ साफ कह रहा है। इसराइल जानता है कि अरूरी की मौत ने उसका एक दुश्मन खत्म किया है, लेकिन कई और दुश्मन उसके खिलाफ तैयार हो चुके हैं। हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने भी कह दिया है कि इसराइल को अरूरी के मर्डर की कीमत चुकानी होगी। अरूरी की मौत से इसराइल के 3 बड़े दुश्मनों को बहुत जोरदार झटका लगा है। पहला झटका हमास को लगा है, क्योंकि सालेह अल अरूरी इस्माइल हानिया के बाद हमास में दूसरा सबसे बड़ा नाम था। दूसरा झटका ईरान को लगा है, क्योंकि सालेह अल अरूरी ने ही सीरिया में युद्ध को लेकर हिजबुल्ला और ईरान के साथ आए मतभेद को दूर किया था। तीसरा बहुत बड़ा झटका हिजबुल्ला को लगा है, क्योंकि इसराइल ने बता दिया है कि अब वो लेबनान की राजधानी बेरूत और हसन नसरुल्ला के गढ़ को टारगेट करने से पीछे नहीं हटेगा।
इस वक्त गाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी युद्ध के हालात बनते नजर आ रहे हैं। सालेह अल अरूरी की मौत के बाद वेस्ट बैंक में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सड़कों पर हजारों लोग इजराइल के खिलाफ उतर आए हैं। हालात ऐसे हैं कि इजराइल को अब अपनी ड्रोन फोर्स को वेस्ट बैंक के ऊपर एक्टिव करना पड़ा है। देखा जाए तो वेस्ट बैंक इजराइल के खिलाफ पांचवा मोर्चा है। इससे पहले गाजा की लड़ाई है, हिजबुल्ला से लड़ाई है, हूथी से युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। इराक में ईरान समर्थित हश्द अल शाबी ने अमेरिका के ठिकानों पर हमले बढ़ा दिए हैं। अरूरी की मौत के बाद ये मोर्चे और मजबूत होंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये युद्ध फैला तो समझ लीजिए कि बहुत से देश इसकी चपेट में आ जाएंगे।